हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मूलांक एक के बारे में बताऊंगी। इससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मूलांक एक वाले जो हैं, उनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है। उन लोगों का मूलांक एक होता है। उसका स्वामी ग्रह जो है सूर्य है। इनका स्वभाव और गुणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो स्वभाव होता है, स्वभाव से ये लोग उदार होते हैं। ये हर तरह से लोगों की सहायता करते हैं। साथ ही साथ ये कला के प्रति भी इनका विशेष लगाव होता है। ये हंसमुख होते हैं और आशावादी भी होते हैं। इस अंक वाले कभी भी हताश नहीं होते हैं। संघर्ष की क्षमता भी उनमें कूट कूट कर भरी जाती है। साथ ही साथ वे साहसी भी होते हैं और किसी भी इनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये उनका सामना बड़ा ही मजबूत ढंग से करते हैं। इसी कारण इनका समाज में मान और सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। इनके इन्हीं गुणों की वजह से ये इनके अनेक से मित्र होते हैं। ये मित्रों की अपने सहायता भी करते हैं। जब भी उनका किसी भी कार्य में हो तो ये काफ़ी उनका सहयोग देते हैं और उनको हर तरह से हेल्पफुल होते हैं। जो अगर हम इनके विवाह के बारे में बात किया जाए, तो अगर ये किसी से संबंध बनाते हैं तो उसको बहुत ही लगन से निभाते हैं और लास्ट टाइम तक, जीवन के अंतिम क्षण तक, उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। अब इनके लिए जो लक्की डेट्स होती है या लक्की तारीखें होती हैं उनके बारे में बताएं, तो इनके लिए लक्की डेट्स होती हैं 1, 9, 10, 11, 19 और 28। ये इस अंक के लोग भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इनके जीवन में सहायक होते हैं। इसी तरह से इनका जो लक्की इनके डेज होते हैं, जो शुभ दिन होते हैं इनके, बृहस्पतिवार, सोमवार और रविवार। और जो इनका लक्की रत्न है वो माणिक है और साथ में पुखराज भी ये लोग धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो फ्रेंड्स, इनका जो लक्की जो इनकी डेट्स हैं, ये अगर उन्हीं डेट्स में अपने कार्य करते हैं अपना कोई भी, तो उनके सफल होने के बहुत से चांस होते हैं। और जो इनके लक्की कलर्स हैं या शुभ रंग हैं, वो इनके लिए पीला, सुनहरी और पीले कलर के कोई भी शेड्स होते हैं, जो येलो कलर के, वो सभी, ब्रॉन्ज कलर होता है, तांबे का कलर और पिंक, ये सब भी इनके लिए लक्की कलर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर इनके अवगुणों के बारे में बात की जाए, तो एक तो ये लोग किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में करते हैं, और दूसरा ये कि इनमें थोड़ा इनकार भी होता है। अगर ये दोनों गुणों को, अवगुणों को तरफ ध्यान दें और इनको ऊपर होकर कार्य करें, तो ये लोग अपने कार्य में निश्चित रूप से सफल होते हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनके लिए अगर टिप्पू, तो मैं इनको सूर्य को हर रोज़ प्रतिदिन डेली जल देना चाहिए, और जिससे कि इनको काफ़ी आगे अपने लाइफ में काफ़ी सहायता मिलेगी। हर तरह से किसी भी कार्य को करने में इन सब बातों का ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो सफलता मिलने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी दी जानकारी कैसी लगी तो बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।